हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे पढ़ाई लिखाई को भली प्रकार से कर रहे होंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, आज की वीडियो में हम लोग बहुप्रोढ़ता को डिस्कस करेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में हम असंग जनन को लेकर आएंगे। तो बहुप्रोढ़ता क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। बहुप्रोढ़ता क्या है, तो लिखा हुआ एक बीजांड या बीज से एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना। एक बीजांड या बीज से एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुप्रोढ़ता कहलाता है। यानी एक ही बीजांड से या बीज से एक से अधिक भ्रूण अगर उत्पन्न हो जाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? बहुप्रोढ़ता कहलाती है। इसकी खोज सर्वप्रथम एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉफ ने करी थी। यानी इसको सबसे पहले खोजा किसने था? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉफ ने कब करी थी? 1971 में करी थी। और यह घटना आवृतबीजी पौधों में होने वाली सामान्य घटना है। किसमें? आवृतबीजी पौधों में होने वाली सामान्य घटना है, ठीक है। लेकिन अनावृतबीजी पौधों में बहुत कम देखने को मिलती है। और अब क्या है, बहुप्रोढ़ता को तीन भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग होता है आपका सरल बहुप्रोढ़ता। सरल बहुप्रोढ़ता क्या होती है? इसमें निषेचन के पश्चात एक से अधिक भ्रूण कोष का निर्माण हो जाता है। इसमें अनेक ऊस्पोर्स बनते हैं। ऊस्पोर्स बनते हैं जो कि एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। उसके बाद मिश्रित बहुप्रोढ़ता क्या है? मिश्रित बहुप्रोढ़ता में क्या होता है बेटा कि इसमें एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में प्रवेश करती हैं। जिसके कारण जो युग्मक है वो प्रतिबिंब कोशिका और सहायक कोशिकाओं से संलयित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, द्विगुणित कोशिकाएं बनाते हैं। इसको बोलते हैं मिश्रित बहुप्रोढ़ता। और उसके बाद विदलन बहुप्रोढ़ता। इसमें क्या होता है, जो जाइगोट है, जाइगोट दो भागों में विभाजित हो जाता है। जाइगोट दो भागों में विभाजित होकर दो भ्रूणों का निर्माण करता है। इस प्रकार आज का जो टॉपिक था बहुप्रोढ़ता वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग असंग जनता को देखेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें। इसी तरह मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंटर क्लास के लिए है, आने वाले एग्जाम में आपको सहायता देंगे, वो यहाँ पर मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।